तो यहाँ पर है पतिदेव और पतिदेव खा रहे हैं। तो बीरू कैसा लगा आज का नाश्ता देखने में? देखने में तो बहुत बढ़िया है। बढ़िया है ना। और यहाँ रहा बिल्कुल हमारा बेबी पैरट के लिए खाना, तो फटाफट इसको भी खिला देते हैं, तो दोनों बाप बेटा को एक साथ खिला देंगे। बेटी ना बीरू, लड़की है वो। काफ़ी दिन से मेरी दिली इच्छा थी कि मेरे पतिदेव मुझे सेंटर टेबल ख़रीद के दे, तो मैं ज़्यादा बोल नहीं रही थी क्योंकि थोड़ी बहुत घर में प्रॉब्लम भी थी। बट कोई मेहमान आए तो बैठने के लिए कुर्सी नहीं था हमारे पास, तो मैंने हस्बैंड को बोला था बहुत पहले, तो संडे को उन्होंने बोला कि सुबह सुबह ही बोला कि चलो आज कुछ लेके आते हैं टेबल वगैरह, तो मैं खुशी हो गई। और मैं ज़्यादा एक्सपेंसिव वाला नहीं ले रही हूँ, 1000 के आसपास ही वाला है, वो वाला मैंने लिया था। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे आईना लगी हुई थी जो गोदरेज में बहुत अच्छा लग रहा था मुझे, तो मुझे एक छोटा मोटा गोदरेज भी चाहिए था क्योंकि मेरा कपड़ा तो मैं अपने गोदरेज में रख लेती हूँ, मगर पति देव का कपड़ा जो है वो बाहर ही रह जाता है, तो मुझे ये थोड़ा ख़राब लगता है। तो मैं ज़्यादा नहीं, वो भी 1-2 हज़ार के अंदर में ही ले लूँगी। और मैं ज़्यादा सामान भी नहीं लेना चाहती हूँ क्योंकि रेंट वाला घर है, तो कितना सामान लूँ दूसरों के घर में, इतना सामान इधर से उधर करने में। मेरा गोदरेज भी जो है नया वाला टूट फूट गया है, तो इस कारण से कहीं कहीं से टूट के ये गिर रहा है शायद। क्या नहीं, टेबल तो अच्छा लग रहा है ना बीरू? देखते हैं ना, ट्राई करते हैं। तो बीरू इसको असेंबल करेंगे, पहले उधर ले चले ना असेंबल करने के लिए। उधर वहां भर जाएगा ना, ये रहेगा ना। यहाँ कौन खाने आ रहा बीरू खाना? असेंबल वो एक जगह तो फिर निकलेगा नहीं हमारा। हाँ कोई बात नहीं, इट्स ओके। वो जो बीरू वो निकला हुआ जो मैंने दुकान वाले को बोला था, भैया एक बार चेक कर लो चेक कर लो, बट उन्होंने बोला था कोई प्रॉब्लम होगा तो आप वापस ले आना। बट प्रॉब्लम क्या गाइस, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। जो ये टेबल का बीच वाला जो है ना, जिसे हम लोग पता नहीं टेबल ही बोलूँगी मैं इसको, इसका बीच का साइड से ही टूटा हुआ है, वो भी बहुत ज़्यादा मात्रा में टूटा था। हल्का सा अगर क्रैश भी लगा रहता तो मैं ले लेती, बट ऐसा नहीं था, बिल्कुल ही टूटा हुआ था। तो अब अगर 1200 रुपया अगर दे रहे हो इस चीज़ का, तो फिर कोई भी टूटा हुआ नहीं लेगा। और ये पति जब अभी तक असेंबल कर रहे थे तो मुझे पता नहीं चला था, ना उनको पता चला था। हम लोग नॉर्मली लेके आए और रखे इसको, और जैसे ही हम लोग लगा रहे थे ना, तो लगाने के बाद जब हम लोगों ने उल्टा किया इसको, तो बहुत ज़्यादा टूटा हुआ दिखा हमें, और बहुत ही ख़राब लगा, डिसअपॉइंटेड हो गए हम लोग। और जब दोबारा मैं लेके गई ना दुकानदार के पास, तो उन्होंने बहुत चालाकी किया, उन्होंने क्या किया, हमें लो क्वालिटी जो ये वाला टेबल था ना, वो बहुत ही मजबूत था, और वो उन्होंने दूसरा वाला टेबल हमें दिखाया जो कि बिल्कुल ही घटिया था और बिल्कुल ऐसे हिल रहा था मतलब। तो मैंने बोला नहीं, मैं मतलब बहुत डिसअपॉइंट हो गई, मैं बोली नहीं मुझे नहीं लेना। तो उन्होंने बोला 4-5 दिन रुकना पड़ेगा आपको, तब मैं ला के दूँगा। और ये टेबल जो है ना बिल्कुल लकड़ी का लग रहा था, और बार बार असेंबल करने वाला है, तो मैंने सोचा था कि अगर घर भी कभी चेंज करना पड़े तो हम लोग खोल के इसको पैक करके ले जा सकते हैं, पर मैं गलत थी। बार बार लगाना और बार बार जो निकालने वाला सिस्टम होता है ना, बहुत ख़राब भी होता है। तो फिर हम लोग जब वापस करने गए, तो फिर मुझे एक टेबल पसंद आ गया जो कि आप लोगों ने अभी हाल फिलहाल ब्लॉग में देख ही लिया होगा। और ये ब्लॉग अभी पहले का डाल रही हूँ मैं, हालाँकि बीच में डालना चाहिए था। और यहाँ पर देखो पतिदेव उल्टा लगा रहे, पर फिर उन्होंने सीधा करके लगाया। और अभी तक तो हमें कुछ पता ही नहीं था कि हमारा जो टेबल है वो टूटा हुआ है कि नहीं। और आज का दिन में इनकी भाभी का बर्थडे भी था, तो वो आने वाली थी, तो वो उनका एक ड्रामा होता है, हमेशा बोलेंगे कि आएंगे आएंगे पर नहीं आती है। तो हम लोग पूरा तैयारी कर रहे थे केक वेक के लिए, मगर नहीं आए, तो हम लोगों ने छोड़ दिया। और यहाँ पर देखो पतिदेव लगा के जैसे ही सीधा किए ना, वैसे ही देखो वहाँ पर हाथ गया उनका, और मैंने बोला अभी के अभी इसको वापस करके आइए। तो फिर उन्होंने बोला कि ठीक है अभी चलो, आप भी चलो, आप साथ में चलना, ताकि हमें फिर दोबारा ऑटो या रिक्शा ना करना पड़े, क्योंकि जब हम लोग ऑटो रिक्शा करके आए थे ना, तो हमारा 50-60 टेबल लग गया था। वापस लिया कि नहीं ऑटो रिक्शा करके लिया, फिर 50-60 आइए, तो फिर मैं पकड़ के ले गई। तो उसने वापस ले लिया क्योंकि वो जब हाँ, और होगा भी तो उन्होंने नहीं निकाल के दिया हमें, बहुत क्वालिटी बहुत अलग था। वो ऐसे करता बीरू, लच 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 लच, मतलब बीच में हिलते रहता खाना कुछ। तो फिर मुझे पसंद आ गया ये टेबल, भले इसका नीचे का लोहा का है, हालांकि मेरा बेड भी जो है नीचे का लोहा ही है ना बीरू, तो चल काफ़ी दिन जाएगा। और ये जो मुझे अच्छा लगा, ये प्लाई का है, तो ये हमारे लिए ठीक है, खाना वाना भी
आराम से खा सकते हैं। हम लोग बिस्तर में हम लोग खाते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, तो ये हैबिट अच्छा नहीं होता है। मतलब घर में बेड पे नहीं खाना चाहिए, बट टेबल नहीं रहता तो हम लोग बेड पे ही खा लेते हैं। तो मैं दिखाती हूँ कि कैसे हम लोग खाना खाएंगे इस पर। ये देखो, ऐसे बैठ के वीरू, और इधर मैं बैठ के खाऊंगी, है ना वीरू, हम दोनों बैठ के खाएंगे साथ में। तो फाइनली मेरा टेबल का जो सपना था वो पूरा हो गया। मैंने बहुत दिन से सपना देखा था टेबल लूँगी खाना खाने के लिए। तो मुझे छोटे छोटे चीज़ में बहुत सारी चीज़ अच्छी लगती है। और हम लोग जब बेड लेंगे वीरू, तो ये टेबल को हटाना पड़ेगा हमें ना, आगे वाले रूम में रखना। हाँ, तो टेबल हम लोग रख देंगे आगे वाले रूम में। पर मुझे ना बहुत अच्छा लगा ये टेबल देख के ना वीरू, आपको भी अच्छा लगा, क्योंकि थोड़ा उसका जो नहीं लंबाई इतना ही था शायद ना, इतना, हाँ इतना ही था, पर उसका क्वालिटी बहुत अच्छा था। बट वो टूटा हुआ था तो हमने वापस कर दिया। और इसके बाद हम लोग अभी नहीं, वो होता था हम लोग ऐसे बैठे रहते ना। हाँ सही बोल, तो सही बोल। तो फिर मैं भी डिसाइड की कि मैं यही ले लेती हूँ, क्योंकि इसका दाम भी थोड़ा सा 100 रुपया कम था ना वीरू, ज़्यादा नहीं, 100 रुपये। और अब हम लोग का 2-3 महीने बाद एक हम लोग बेड लेंगे, अभी नहीं लेंगे क्योंकि अभी बहुत खर्चा हो गया। तो चलो मिलते हैं। तो गाइस, ये क्या है वीरू? कीवी। कीवी है, तो मैं फर्स्ट टाइम ही खा रही हूँ, क्योंकि पहले मैंने बस देखा ही है, तो लेकिन नहीं है क्योंकि काफ़ी महंगा होता है हमारे उधर में। तो वीरू आप एक खा के देखिए। नहीं मैं तो खाया हुआ हूँ, खट्टा भी है, खट्टा मीठा है, क्या है। मोली को देखो कैसे उड़ रही है। आजा मोली, आजा, उसको भी थोड़ा सा दे दीजिए वीरू। ठीक है, तो एक मैं भी ट्राई करके देखती हूँ वीरू। ले मोली ले। अब बिट्टे से अच्छा है वीरू, मगर खट्टा लग रहा है। टेस्ट अच्छा है मगर। अच्छा मोली को लगा था भूख। इसलिए वो रेट ना। दाल रोटी खा रही थी मैं। आज मैंने बनाई है प्याज और ये आम की चटनी। जब तक सीजन है तब तक ये खाते रहूँगी मैं। और ये मैंने फाइनली फर्स्ट टाइम मैं शायद यहाँ बनाई हूँ लाल साग, जो कि यहाँ पे मैं कभी नहीं लेके आई हूँ इन 2 सालों में। एंड इधर रोटी और इधर मैं साग खा रही हूँ। तो चलो खा के देखती हूँ कैसा लग रहा है। और हमारी मोली को मैं खिला रही हूँ, तो आज मोली पता नहीं बहुत गुस्सा है, बार बार हाथ काटने की कोशिश कर रही है। और ये रहा मैं साग। अच्छी लग रही है। मोस्टली हमारे घर पे अलग साग बनता है, पर मतलब मेरे मम्मी के घर पे, पर ये साग अच्छा लग रहा है। तो चलो गैस मिलते हैं। मौली को देखो बिल्कुल भी चैन नहीं है, ये एक बार ऊपर जाती है फिर एक बार नीचे जाती है, और बार बार यही कर रही है। इसको जब ज़रूरत लगता है तो फिर ऊपर उड़ के आ जाती है, फिर नीचे जाती है, और ऐसे करके पूरे घर में उड़ उड़ के इसने पूरा परेशान कर दिया मुझे। पर कोई नहीं यार, बच्चा ये छोटा सा, मुझे बहुत प्यारा भी लगता है, क्योंकि ये खेलते रहती है आईना वगैरह से। और ये आईना फोड़ने वाली थी आज, पर बच गई। मौली, ए मौली, मौली कुछ तो बोल दे, हेलो गाइस ही बोल दे, बस बोल हेलो गाइस। तो आप लोग को लग रहा होगा कि ये नहीं बोलती है, ऐसा नहीं है। जब इसको मैं ध्यान नहीं देती हूँ इसके ऊपर, मतलब मैं मोबाइल वगैरह यूज़ करती रहती हूँ, तो ये ना बहुत चिल्लाती है उसमें पता नहीं क्यों, और मुझे बुलाती रहती है अपने तरफ, जो मेरा ध्यान है ना वो मतलब आकर्षित करती है कि मुझे देखे मतलब। तो मैं इसको देखती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं देखती हूँ, और टाइम टू टाइम इसको खाना भी देती हूँ। मौली, मौली एक बार बोल मम्मा, मौली। तो इसका अभी मूड नहीं है, नहीं बोलेगी, बट अभी वीडियो बनाने से पहले दो बार ये ऊपर उड़ के पूरा किचन में जाके, वो रूम में जाके, फिर आके यहाँ पे बैठी है। तो ये दिन भर ऐसे ही करती है, जब इसको नींद लगता है तो ये दिन भर पूरा टोटल एक दो घंटे जरूर सोती होगी बीच बीच में, मतलब लगातार नहीं, बीच बीच में। पर ऐसा होता है कि इसको जब नींद ख़त्म हो जाता है ना, उसके बाद ये सोचती है कहाँ जाऊँ कहाँ जाऊँ। फिर जब मेरे पास आती है तो डरती है पहले ये, पता नहीं अभी घुलने मिलने में टाइम लग रहा होगा, 1 महीना से ज़्यादा हो गया। वैसे तो जब आती है तो बेड से वापस नहीं जाती। अभी देखो ये बोतल पे चढ़ रही थी, इस पर इसका पैर नहीं अटका तो गिर गई है नीचे। फ़ोटो भी मैं खींच के रखी, और बहुत मुझे खुश मतलब हंसी आ रही थी कि ये क्या क्या करती रहती है। और इसने पूरा बेड
को भी गंदा कर दिया है, पर चलो कोई नहीं, मैं रोज़ रोज़ ही बेड धुलती हूँ, मतलब बेडशीट वगैरह, क्योंकि बच्ची है यार, इसको कुछ भी नहीं पता क्या करना है क्या नहीं। और ये हम बहुत प्यार से लेके आए थे, मतलब मेरे हस्बैंड लेके आए थे, मैंने बोला, उन्होंने पूछा था मुझे कि लेके आऊँ, तो मैं बोली थी हाँ। तो कई लोग ये भी बोलेंगे कि इसको अपनी जगह उड़ने दो, बट ये बच्ची है तो ये उड़ भी नहीं पाती अच्छे से, बस थोड़ा थोड़ा मतलब हाफ फ्लो में ये उड़ती है, फिर गिर जाती है नीचे। तो अभी अभी ये लैंडिंग करना सीख गई है, वरना ये कुछ दिन पहले जब लैंड करती थी ना ज़मीन पे, तो ये मुंह के बल गिरती थी और मुझे डर लगता था कि कहीं इसका मुंह टूट ना जाए, मतलब जो ये आप देख रहे हो ना ये टूट ना जाए, मुझे लग रहा था ऐसे, क्योंकि कोमल होता है ना, ये लोग भी तो बच्चे ही हैं। तो ऐसा नहीं हुआ, ये धीरे धीरे लैंड करना सीख गई है। और शुरू शुरू में ये बस वाटरमेलन ही खाती थी, बाकी कुछ नहीं खाती थी, पर मैंने इसको ज़बरदस्ती पकड़ के अपने हाथों से रोटी और दूध खिलाना सिखाया, तो ये अब दूध रोटी भी खाने लग गई है। और कुछ बीच में बहुत सारे हरकत करती है। अभी देखो हाल फिलहाल में थोड़ी देर पहले पूरा चार्ज को ये क्या कर दिया इसने, अब इसे मार भी नहीं सकती मैं, क्योंकि ये छोटी बच्ची है, और बार बार मैं यही बोल रही हूँ क्योंकि ये सच में छोटी बच्ची है। और इसने चार्ज खाया तो मैंने इसको देखा नहीं, बट मैं थोड़ी देर के लिए कहीं चली गई थी वॉशरूम या वगैरह कहीं, तो ये पूरा चार्ज को वो कर दिया, बस होप कि ये उनका पूरा नहीं तोड़ पाई, बस साइड का तोड़ दिया, तो मैंने सारा चार्ज को ऊपर रख दिया था। और ये अब जब भी बेड पे आएगी ना, मैं चार्ज इसके मैं नहीं रखूँगी, क्योंकि ये तो छोटी बच्ची है ना, मोली बच्ची है ना, तो ये पूरा अभी अपने जगह में पूरा गंदा कर रखी है। और इसके जगह मैं अभी नहीं दिखाऊंगी, आप लोग कमेंट करना ये कहाँ पे रहती है, मैं इसका जगह ज़रूर दिखाऊंगी, ये कैसे सोती है मैं ये भी बताऊंगी। बाय बाय।